चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक नए हेडिंग को लेकर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और बड़ी फेमस नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन की जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमको दो नाम, दो रिएक्शन में ये डिवाइड है, जिसमें एक का नाम है फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरी फेमस है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। पहले जनरल स्टडी करेंगे फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन मेनली बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता। अब इलेक्ट्रोफाइल को कौन पैदा करेगा, कब वो क्या अटैक करेगा, जब अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा तो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, और जब CH3CO मिथाइल कीटो ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तब उस रिएक्शन का नाम बोलेंगे हम फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। पहले फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन क्या है उसके स्टडी करते हैं। ये बेंजीन रिंग, इस पर अटैक होता है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का, और किसकी प्रेजेंसी में, AlCl3 की प्रेजेंसी में। AlCl3 यहां न्यूक्लियोफाइल मींस इसके पास AlCl3 के पास वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुविस एसिड। इट मींस इस रिएक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल को पैदा करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पैदा करेगा वो हम मैकेनिज्म की स्टेप में स्टडी करेंगे। यहां पर ये देखें कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये यहां से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये AlCl3 के साथ चला जाएगा, क्योंकि AlCl3 लुविस एसिड है, और लुविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए इसको यहां यूज करते हैं। ये Cl को ले जाएगा और AlCl4- में कन्वर्ट होगा। ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल, और फिर यह बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, बाय प्रोडक्ट HCl। इस तरह ये फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन का एग्जांपल है। अगर एसाइलेशन करना चाहें हम तो फिर यहां पर दो मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं फ्रीडलक्राफ्ट के केस में। यहां लेते हैं ये बेंजीन, अब ये अल्काइलेशन का केस है, अल्काइल ग्रुप का अटैच होना, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। अब स्टडी करेंगे फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, CH3CO ग्रुप को लाए कहीं से, तो इसके फिर दो केस है। एक, जब हम एसिटाइल क्लोराइड को अटैक करवाए किसकी प्रेजेंसी में, AlCl3, ये लुविस एसिड इसमें काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन, ये यहां से किसको हटाएगा, इसको, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl4-, और इस कार्बन को कैसा बनाएगा, पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये यहां अटैक करेगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, C(OCl3). इट मींस एसिटोफिनोल, यहां कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा CH3। तो इस तरह एसिटोफिनोन कीटोन का फॉर्मेशन होगा। इस पर कौन सा ग्रुप आकर अटैच हुआ बेंजीन रिंग पर, COCl3, मींस इसका नेम होगा एसाइलेशन, पूरा नाम बनेगा फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, और इसका पूरा नाम बनेगा फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। एक मटेरियल हम इसके प्लेस पे और यूज कर सकते हैं जिसका नाम है CH3 CHO, इसको शॉर्ट टर्म में हम कैसा लिखते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड,
ये भी यहाँ यूज कर सकते हैं, ये पोर्शन यहां से ब्रेक होगा और ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये पॉजिटिव कार्बन हुआ इस इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, प्रोडक्ट वही है CO, ये पोर्शन पूरा चला जाएगा, बेंजीन का जो H रिप्लेस होगा वो यहां आएगा और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH3COH एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, जो कि एसिड है मींस प्रोटॉन गेनर है, प्रोटॉन आसानी से गेन करेगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। ये फ्रीडल क्राफ एसाइलेशन का एग्जांपल और ये फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन, दोनों रिएक्शन में मैकेनिज्म सेम है, हमको इलेक्ट्रोफाइल को प्रोडक्ट करना है, उस पर अटैक करना। तो अब इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं कैसा होती है। मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन होगा, यह स्टेप फर्स्ट, ये CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, अल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो मैकेनिज्म दोनों सेम है, पहले कौन रिएक्ट होगा इससे AlCl3, ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर का गेनर है, तो इधर से क्लोरीन को विथ इलेक्ट्रॉन अपने साइड लेगा और CH3 को पॉजिटिव कन्वर्ट करेगा, यही इलेक्ट्रोफाइल है और इसका प्रोडक्शन किया, इसका काम खत्म, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4-। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है CH3+, अगर आप इसमें कंपैरिजन करें कि ये इलेक्ट्रोफाइल बनता तो क्या होता, आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है CH3 जो अभी प्रोड्यूस हुआ, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो सकता था प्लस, बट ये थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोफाइल है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये बहुत जल्दी अटैक करेगा, जबकि हमारी रिएक्शन का नाम क्या है अल्काइलेशन, तो हमें अटैक इसका करवाना है ना कि इसका। तो यहां समस्या ये है कि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की कंडीशन है कि जो बेंजीन रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होना चाहिए, शुड बी हायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर किसी भी प्रोसेस से इंक्रीज होना चाहिए। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर बेंजीन के केस में मिथाइल प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर करेगी तो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ खींचेगी। जैसे सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये बेंजीन, अब इसका तो खुद ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ना कोई इस पर ग्रुप अटैच है जो इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाए, एक तो यहां पर आया इलेक्ट्रोफाइल, ये आया कहां अटैक करेगा, किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता, बेंजीन अभी फ्री है और इस पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में चेंज करेगा, ये इस पर है, यहां से इसको H प्लस को रिप्लेस करेगा और CH3 इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, अपनी जगह बनाएगा, यहां का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहां और यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण होते रहेंगे। ये चाहता स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए किसको रिलीज कर देगा, प्रोटॉन को, और वापस रिंग फॉर्मेशन कर अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अब यहां से कौन गया विदाउट इलेक्ट्रॉन, H मींस H प्लस आयन प्रोटॉन, ये कहां आएगा, लास्ट स्टेप, ये आएगा AlCl4- के पास और वापस क्लोरीन को गेन करेगा HCl और फिर से किसका फॉर्मेशन कर देगा AlCl3, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का एंड होगा। इस तरह
फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो चाहे फ्रीडल क्राफ्ट टेसाइलेशन, इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन होगा जो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और या तो अल्काइलेशन कर देगा या एसाइलेशन कर देगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी हमने बोला कि CH3 जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन को क्या होना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पर इंक्रीज करना पड़ता है। तो जो ग्रुप बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के फेवर में काम करते हैं, और ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर अटैच होने के बाद बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को फेवर नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में काम आ सकते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग, हमने इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज किया, तो मिथाइल ग्रुप कैसा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, मतलब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो ये तो फेवरेबल कंडीशन है, ये देगा। दूसरा, अगर आपने बेंजीन रिंग पर किसको अटैच कर दिया, NO2 ग्रुप, और NO2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा बेंजीन रिंग से, इस कार्बन को कैसा बनाएगा, प्लस, मींस इसका इफेक्ट माइनस एम है, माइनस आई इफेक्ट भी के लिए भी NO2 फेमस है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से अपने साइड लेगा तो बेंजीन को कैसा बनाएगा, पॉजिटिव, मींस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, और फ्रीडल क्राफ्ट में ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट की कंडीशन क्या है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए अटैच ग्रुप से, तब वो फ्रीडल क्राफ्ट पॉसिबल होगी। ये NO2 ग्रुप अटैच होकर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक डिफिकल्ट होगा, इसका मतलब ये मटेरियल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरह बेंजोइक एसिड होता है, इस पर ये COOH, ये ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिव है और इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से अपने साइड लेता है, इसलिए ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। बेटर प्रोडक्ट आपको कब मिल सकता है फ्रीडल क्राफ्ट में, जब इससे कौन अटैच हो, OCH3 ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, तो ये भी फेवरेबल कंडीशन में आता। एक और हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है जैसे NH2, ये बेंजीन रिंग, ये NH2, इस पर भी लोन पेयर है, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप। अब अमीन ग्रुप हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है, मतलब बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर करेगा, लेकिन जैसे ही आप इससे CH3Cl की रिएक्शन करोगे तो इसके अमीन ग्रुप के पास दो एसिडिक हाइड्रोजन बैठे हुए, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच है, ये दोनों हाइड्रोजन कैसे, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये यहां से क्या करेगा, इसको लेगा, इसके साथ रिएक्ट होगा और नया कुछ प्रोडक्ट बना है। बेंजीन पर अल्काइलेशन नहीं हुआ, NHCl3 यहां जाकर के ये अटैच हो गया, तो इस केस में ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देगा, इसमें कुछ और ही प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ, अगर आपको इस तरह के अटैक करवाना है तो अमीन ग्रुप में आपको पहले समझा चुके हैं, अमीन ग्रुप को पहले एसाइल ग्रुप से प्रोटेक्ट करिए और फिर इसकी रिएक्शन प्रोसीड होती है, क्यों कि अमीन ग्रुप हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, आर्थो पेरा आर्थो सब जगह अटैक करवा देता है, इसी कारण अमीन ग्रुप के केस में अमीन ग्रुप का प्रोटेक्शन उसके एसिडिक हाइड्रोजन को, NH ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन देंगे, ये दोनों फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देंगे, और इसका एक स्पेशल डिफरेंट गैस है ये भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। अगला कंसेप्ट आता फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, ये फ्रीडल क्राफ्ट कौन देगा कौन नहीं देगा। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें हम
ये स्टडी करेंगे कि क्या फ्रीडल क्राफ्ट में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है कार्बोकेटाइन का, क्यों मिथाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था। तो देखते हैं ये बेंजीन थी, अब इस पर हम अटैक करवाएं CH3 CH2 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 Cl, इस तरह अटैक करवाते हैं। तो इसकी दो कंडीशन है, अगर आप यहां पर ले दोनों कंडीशन की बात करेंगे। ये पहली कंडीशन में आपने क्या लिया, AlCl3 को यूज किया, ये इलेक्ट्रोफाइल को प्रोडक्शन करेगा और इस क्लोरीन को यहां से हटा देगा। कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ, 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है तो ये रीअरेंज होगा और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। यहां से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 CH, ये पॉजिटिव, ये CH हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी होगी तो 3 डिग्री में कन्वर्जन करता, अभी 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल है। अब ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल बनके अटैक करेगा और कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, ये CH, ये CH3, ये CH2, ये CH2, इस कार्बन ने यहां अटैक किया है बेंजीन रिंग पर। तो ये किसकी प्रेजेंसी में होगा ऐसा, AlCl3 की प्रेजेंसी में, क्यों कि जब AlCl3 इसके पास आता है और क्लोरीन को ले जाने के लिए ये लोन पेयर कैनर है, इसके इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसके बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम ये क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड वीक होगा और ये पूरी टोटली क्लोरीन AlCl3 के साथ शिफ्ट हो जाएगी, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिएजेंट को चेंज करेंगे तो रिएक्शन बदल जाएगी। इधर आते, अगर आपने ZnCl2 लिया या FeCl3 लिया तो फिर प्रोडक्ट वो होगा जो हम नहीं चाहते। अभी तो प्रोडक्ट ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को प्रोसीड की, उसने मैकेनिज्म रीअरेंजमेंट हुआ, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, इस तरह CH2 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 CH3। इसमें ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था इसी ने अटैक किया, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है कि जब FeCl3 को हम यूज करेंगे और वो इस क्लोरीन से बॉन्डिंग करेगा तो इस क्लोरीन को आसानी से नहीं छोड़ेगा, और नहीं छोड़ेगा तो जाते समय ये अपना रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएगा, एडिटेड वैसा का वैसे ही अटैक कर देगा। जैसे ये देख CH3 यहां बना, CH3 CH2 CH2 CH2, ये Cl और इससे कौन अटैच रहेगा, FeCl3। इसका बॉन्ड यहां से क्लोरीन इसके साइड शिफ्ट नहीं होगी, AlCl3 में तो टोटली वो क्लोरीन को ले जाता था और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का पहले फॉर्मेशन करता है और फिर ये रीअरेंज होगा और ये अटैक करेगा, इसमें इतना मौका नहीं मिलेगा। ये और ये यहां से ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, मींस ये एज इट इज इस पर अटैक करेगा ये वाला पोर्शन और फिर क्लोरीन यहां से सेपरेट होगी। तो ऐसे केस में अगर आप ZnCl2 या FeCl3 लेते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा विदाउट रीअरेंजमेंट का, और अगर AlCl3 लेते हो तो आपको मिलेगा। अब मान लीजिए आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो एक रिएक्शन और है जिससे आप इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। पहले इसको नोट करिए,
कि अगर AlCl3 की प्रेजेंसी में होता है तो रीअरेंजमेंट होगा, और जब NaCl2 या FeCl3 की प्रेजेंसी में होगा तो रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वही इस पर अटैक करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए तो एक प्रोसेस और है जिससे हम इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या है देखते हैं। अब मटेरियल, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मटेरियल यहां से चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके देखते हैं क्या लें हम। CF3, CH2, CH2, CO, Cl, इस तरह का मटेरियल ले जो हमको यह प्रोडक्ट बना के देगा। कैसे देगा समझिए, यह प्रोडक्ट है। अब इसमें किसकी प्रेजेंसी लें, AlCl3, ये जाएगा, ये गया, ये इधर आ गया, इसमें कन्वर्ट हो गया AlCl4-। ये क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल। ये कार्बन अब इस रिंग पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, COOCH2CH2CH3। ध्यान से समझिए, हमने अगर ये मटेरियल लिया, एसाइलेशन करेंगे पहले, ये प्रोडक्ट आ जाएगा अपने आप। चार कार्बन का हमने एसाइल ग्रुप लिया और AlCl3 की प्रेजेंसी में ये क्लोरीन को लेके AlCl4-, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक किया, ये प्रोडक्ट है। अब कीटो ग्रुप को आपको चेंज करना है अल्केन, तो इसको ऐसा बोलते हैं कि यहां फास्फोरस प्लस HI जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है उसको यूज करो, इस कार्बन को किसमें बदल देगा, कीटो ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये प्रोडक्ट आपको फिर मिल जाएगा। क्लियर? ये प्रोडक्ट आपको दो प्रोसेस से मिल सकता है, एक बेंजीन रिंग पर ZnCl2 या FeCl3 की रिएक्शन किससे करे, CF3CH2CH2CH2Cl से करे। इस मटेरियल से इसकी प्रेजेंसी में अगर रिएक्शन करेंगे बेंजीन रिंग की तो फ्रीडलक्राफ्ट का ये प्रोडक्शन होगा, ये लास्ट प्रोडक्ट है। और अगर इधर से चार कार्बन का एसाइल ग्रुप लेके आप पहले AlCl3 की प्रेजेंसी में इस पर अटैक करते हैं तो पहले कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्यों? कि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये कार्बन रीअरेंज नहीं होगा, ये एसिडिक अटैक करेगा। और अगर आप यहां क्या लेते, ये वाला मटेरियल लेते, आप फिर से बता के समझा, CH3CH2CH2CH2Cl, अगर आप AlCl3 की प्रेजेंसी में ये मटेरियल लेते तो ये यहां से जाता, ये पॉजिटिव होता, ये रीअरेंज होता और ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता। तो इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपने क्या किया, एसाइलेशन किया पहले बेंजीन का, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, और फास्फोरस HI की प्रेजेंसी में इसको अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस तरह की रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन के सेम प्रोडक्ट बन सकते हैं जब हम इस तरह की रिएक्शन को करें। और अगर AlCl3 यूज किया और यह मटेरियल लिया तो रीअरेंजमेंट होगा। क्लियर? नोट करिए इस कंसेप्ट को और आगे बढ़ते हैं। अगली मेथड, अगला एप्लीकेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अगर रिंग का कंसेप्ट आता है, किसका कंसेप्ट आता है, रिंग का, तो देखते क्या होता है। रिंग के कंसेप्ट में जब हम फ्रीडल क्राफ्ट को यूज करेंगे तो पहले रिंग का फॉर्मेशन करें, ये बेंजीन रिंग, और यहां पर 1, 2, 3, 4 और इससे क्लोरीन अटैच है। क्लियर? अब यहां पर आपने क्या यूज किया,
एएलसीएल थ्योरी। फ्रीडल क्राफ्ट की मैकेनिज्म आपको पता है, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये यहाँ आएगा, ये किसमें बदलेगा, एएलसीएल पर माइनस, ये कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब हम रीअरेंजमेंट का केस स्टडी कर रहे हैं कि ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो इसका रीअरेंजमेंट होना चाहिए, और यहां से हाइड्रोजन इधर आकर के ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, फिर इसका इधर रिंग फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ओवरलैप करता है रिंग के फॉर्मेशन, रिंग का फॉर्मेशन ओवरलैप करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। यहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम नहीं देखेंगे, हम रिंग फॉर्मेशन में कितने कार्बन है उसको पहले देखेंगे, और यहां विदाउट रीअरेंजमेंट यही कार्बोकेटाइन इस पर अटैक कर जाएगा, और कितने कार्बन की रिंग फॉर्मेशन कर लेगा, ये बेंजीन रिंग थी, ये देखिए इधर भी 6 कार्बन थे, 1 2 3 4, ये जाकर के इस पर अटैक कर गया, ये 1 2 3 4, 4 वाला कार्बन कैसा था, पॉजिटिव, इसने बेंजीन रिंग से फॉर्मेशन कर लिया। तो यहां पर केस क्या हुआ, विदाउट रीअरेंजमेंट। अब दूसरा केस लेते हैं, मान लो ऐसा है, ये रिंग 1 2 3 4, और यहां क्लोरीन अटैच है, यहां क्लोरीन अटैच है सेकेंडरी कार्बन पर, 2 डिग्री कार्बन पर। अब क्या होगा, अब वही आया AlCl3, ये इसको ले गया, किसमें कन्वर्ट हुआ, AlCl4- में कन्वर्जन करा, अब ये कार्बोकेटाइन बना, कौन सा, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन इस पर अटैक करे तो ये रिंग के बाहर रह जाएगा, और रिंग कितने कार्बन की बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग बनी जो अनस्टेबल होगी, किसके कंपेरिजन में, 6 कार्बन के। अगर ये 2 डिग्री है, 1 2 3 4, अगर ये कार्बन यहां अटैक करे तो 6 कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन होगा, और अगर ये कार्बोकेटाइन बना जैसा अभी हमने फॉर्मेशन किया तो 5 कार्बन की रिंग बनेगी, और ऐसा फेमस है 5 कार्बन के कंपैरिजन में 6 कार्बन की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये अब रीअरेंजमेंट करेगा, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां शिफ्ट होगा और इसको पॉजिटिव बनाएगा, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन किसमें कन्वर्टन हुआ, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में, और फिर ये यहां अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इस तरह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रोसीड होती है। क्लियर, ये दोनों कंसेप्ट को ध्यान से समझिए कि रीअरेंजमेंट कब होता है कब नहीं, क्यों कि यहां पर क्लोरीन यहां से हटा तो ये तो 1 डिग्री बना, जबकि बनना क्या था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, क्यों, 6 कार्बन की रिंग ज्यादा स्टेबल होगी 5 के कंपेरिजन, और यहां पर क्या बना था पहले से, 2 डिग्री, तो उसको रीअरेंज करा 1 डिग्री में ताकि 6 कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन हो जाए। इस तरह इस कंसेप्ट को भी आप याद रखिए, ये एडवांस लेवल से रिलेटेड कंसेप्ट है। अगली मेथड यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में, कि अगर आप ये बेंजीन रिंग और इसको रिएक्ट किससे कर दें, CH2Cl2 से, मेथिलीन डाइक्लोराइड से, तो AlCl3 की प्रेजेंसी में क्या होगा, अरे AlCl3 तो 1 क्लोरीन को ले जाता, 2 को थोड़ी ले जाए, 1 क्लोरीन को ले गया, ये क्या बना दिया उसने, AlCl4- बना दिया। अब ये पूरा सिस्टम कैसा कन्वर्ट हो गया, एज इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या बना, CH2Cl पॉजिटिव, 1 क्लोरीन रहेगी इसमें, 1 क्लोरीन को लेके गया और इलेक्ट्रोफाइल कन्वर्ट कर गया, ये वाला। अब ये इस पर अटैक करेगा तो पहला प्रोडक्ट क्या होगा,
ये होगा। अब फिर अल्काइलेशन होगा, ये बेंजीन रिंग आई, अब क्या होगा, ये यहां से जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, किसके साथ जाएगा, ये भाई LCl3 के साथ जाएगा और ये बनेगा और ये इस पर अटैक करेगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट है बट अल्काइलेशन। अगर आप ऐसी चार रिंग को अटैच करना चाहें तो फिर रिएक्शन में किसको लेंगे, देखते ये रिंग, इसको रिएक्ट करें हम CCl4 से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, चार क्लोरीन है, AlCl3 कितनी क्लोरीन को ले जाएगा इसमें से, एक क्या कन्वर्ट करेगा, AlCl4 माइनस, क्या इलेक्ट्रोफाइल बनाया, CCl3 पॉजिटिव, ये इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन क्या हुआ, CCl3। और आगे चलेगी रिएक्शन, ये आया AlCl3, ये आई बेंजीन रिंग सेकंड, अब बताओ ये क्या करेगा, इसमें से एक क्लोरीन को निकालेगा इधर और यहां क्या फॉर्मेशन कर देगा, ये CCl2 इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह बना लेते हैं, ये CCl2 ये प्रोडक्ट बन गया। अभी एक बार और होगी रिएक्शन, फिर आया AlCl3, रिडल क्राफ्ट में उसको यूज करना, आपको ये एक क्लोरीन को ले गया और इस पूरे को इसने किसमें कन्वर्ट करा, इलेक्ट्रोफाइल, फिर ये बेंजीन रिंग से रिएक्ट होगा, ये आया कितनी रिंग हो गई, तीन, एक, ये दो और इधर तीन, और यहां पर क्या है, यहां पर एक क्लोरीन होगा, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आप बोलोगे अभी तो एक क्लोरीन और है, इसको रिप्लेस होना चाहिए, अब रिप्लेसमेंट बंद हो जाएगा क्योंकि ये स्टेबल है, अब ये क्लोरीन को यहां से ब्रेक नहीं कर सकता, LCl3 इसको नहीं ले जा सकता। दूसरी चीज, कार्बन पर हायर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण अटैक अप डिफिकल्ट है, तो आप ये मान के चलिए कि केवल कहां तक प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन में, आप भले ही बेंजीन के चार मोल लें लेकिन प्रोडक्ट कितने मोल तक बनेगा, 3 मोल तक की रिएक्शन चलेगी, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पर चलते हैं, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के एग्जांपल थे, अब लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पर चलते हैं, ये बेंजीन, अब इस पर किसका अटैक हो, CH3 CO CH3 COO, इसको आप बोलते हो Ac2O, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला पोर्शन सेपरेट होगा और ये कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव, क्यों, आप उसको यहां से माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिक है, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है। चलिए ये इलेक्ट्रोफाइल बनाया और बेंजीन रिंग पे अटैक कर दिया, ये आ गया COCl3, एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो गया, यहां तक सिंपल कंसेप्ट है। दूसरी चीज ध्यान रखिए, इसमें किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये पहले समझा चुके हैं, एसाइलेशन में किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं होता, जब आप एल्किल हैलाइड को लेते हो तो 1 डिग्री कार्बो के टाइम 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं कभी नहीं भी होता, रिंग फॉर्मेशन के टाइम 2 डिग्री 1 डिग्री में कन्वर्ट होता था और रिंग को एक्सपेंड करने के लिए स्टेबिलिटी लाता था। अब देखिए सेकंड केस, यही बेंजीन है,
अब इस पर आपने अगर कोई एसिड चेंज कर दिया, ये CH3CH2 ये C डबल बॉन्ड O, ये प्रोपियोनोइक एसिड का पार्ट है और ये एसिटिक एसिड का पार्ट है, तो अब इसमें कार्बोकेटायन कौन, मींस पॉजिटिव कार्बन कौन बने, मींस इलेक्ट्रोफाइल कौन बने। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होगा। उसका रीजन है कि इधर वाला पार्ट प्रोटॉन गेन करेगा, जैसे ये वाला पार्ट इसमें क्या करता था, प्रोटॉन को गेन करता था जो बेंजीन रिंग से निकल के आता था, तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता था। ऐसे ये बेंजीन का एक एज यहां से निकल के इधर आता था और ये पूरा पोर्शन किसमें कन्वर्ट होता था, एसिटिक एसिड में, और ये इस पर अटैक करता था, ये एसाइलेशन। अब यहां कैस चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रोफाइल वो बनेगा जो अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबल और स्टेबल को अलग छोड़िए, आप ये देखिए कि इसमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर बनेगा, वो यहां से जाएगा। तो पहले इसको देखें, अगर एच इसको मिला तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, CH3COOH एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपैरिजन में, अगर इसका एसिड बनता तो इसका एसिड क्या बनता, CH3CH2COOH इसका एसिड बनता प्रोपियोनोइक एसिड, और प्रोपियोनोइक एसिड प्लस आई इफेक्ट के कारण वीक एसिड है, ये प्लस आई इफेक्ट कम रखता है, तो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो आप यहां ध्यान रखिए, दो पार्ट अगर अलग अलग है तो उसमें उस पार्ट को एसिड में कन्वर्ट करना है जो स्ट्रॉन्गर है, और वीक वाले को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा, ये बेंजीन रिंग पर अटैक कर दिया, सी डबल बॉन्ड ओ CH2CH3, ये इसका प्रोडक्ट होगा, और एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण प्रोटॉन गेन करेगा और चला जाएगा। ये है रिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नीट, जेई मेंस, एडवांस, एम्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिडल क्राफ्ट का जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को, इन फार्मूलों को याद करिए, और याद करने के लिए सिंपल टेक्निक को डेवलप करिए, और सारे कंसेप्ट को एक साथ याद रख के एग्जाम हॉल में जाइए, आपको सक्सेस मिलेगी। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे किसी नए हेडिंग के साथ। आज की स्टोरी यही खत्म करते हैं, बाय, सी यू।